हाय एवरीवन, और ये ब्लॉग है मेरी कज़न की वेडिंग का। लेकिन उससे पहले थी लखनऊ में एक एंगेजमेंट पार्टी मेरे फ्रेंड के ब्रदर की, तो मुझे वहाँ जाना था। देन वहीं से हम लोगों को आगरा निकलना था, तो ये थी एंगेजमेंट पार्टी कुछ इस तरह से। पार्टी में बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत सारा डांस किया और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। पार्टी पूरी फिनिश भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही हमें निकलना था आगरा के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी कज़न की वेडिंग थी। वेडिंग से पहले एक दिन हल्दी, संगीत, मेहंदी सब कुछ था। तो मैं दिखाती हूँ यूपी में यानी आगरा में क्या ट्रेडिशनल है। तो हमारे यहाँ एक ऐसे ब्लाइंड फोल्ड करके हल्दी की पूजा होती है, और इसको है ना अनमैरिड गर्ल्स नहीं देखती। और ये बनता है प्रॉपर खाना, ये पूजा का खाना होता है और सब लोग इसी को खाते हैं। इसमें होते हैं करी, चावल और एडिशनल चीज़ें भी बनती हैं, और जैसे उड़द दाल की टिक्किया, मिक्स वेज पूड़ी, मीठी पूड़ी। और सबने पहन रखा था येल्लो कलर, बहुत ही अच्छा माहौल हो रखा था, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। और शादी के घर में यही खास बात होती है, सब कुछ इतना पॉजिटिव रहता है, आपकी जो दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं वो सारी रिफ्रेशिंग हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ हल्दी मनाई जाती है। हल्दी लग चुकी थी और हल्दी की जो ट्रेडिशनल रस्म है वो हो चुकी थी। अब चल रहा था यहाँ फोटोशूट और कुछ वीडियोग्राफी, तो उसके लिए ये फ्लावर्स मंगाए गए थे और उसके साथ इस तरह से हम लोग इंजॉय कर रहे थे। और वेडिंग गर्ल बहुत अपसेट हो चुकी थी इस टाइम, बहुत इमोशनल हो रही थी और लिटरली वो रोने वाली थी, इसलिए हमने थोड़ा माहौल अच्छा किया और डांस स्टार्ट किया। काफ़ी टाइम बाद मैं डांस कर रही थी, मैं ब्लैंक हो चुकी थी, मुझे कोई स्टेप याद नहीं आ रहा था और मैं इंजॉय कर रही थी। अब मेहंदी लगना स्टार्ट हो गया था और संगीत हमारा स्टार्ट हो गया था, और ये चल रहा था देसी डांस, यूपी का देसी डांस देखना है, चलिए देखते हैं। ये बहुत इमोशनल सॉन्ग है और इसे सुन के ना सबको रोना आ जाता है, और ये दीदी भी रोने वाली थी उससे पहले, फिर इन्होंने डांस बंद कर दिया। माहौल थोड़ा इमोशनल हो चुका था, उसको अच्छा बनाने के लिए फिर मैंने डांस किया। Thank you.
अच्छा खासा संगीत चल ही रहा था, लेकिन बारिश ने थोड़ा मज़ा किरकिरा कर दिया और हम लोगों को नीचे शिफ्ट करना पड़ा सारा सिस्टम विस्टम। और हम लोगों ने नीचे जाके जो धमाल मचाया ना, बस उसमें तो मज़ा आ गया था। और फिर तो सब नाचने लगे। अब हम रेडी होकर घर से निकल रहे थे वेडिंग वेन्यू के लिए और मैं एंड टाइम पे तैयार हुई थी। लास्ट 10 मिनट्स में जल्दी जल्दी सब कुछ किया। और ये ब्लू ड्रेस में थी मेरी रियल सिस्टर, उसकी नाम की शादी थी। मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरा छोटा भाई, ये मेरा बड़ा भाई, तो मुझे इन सब से मिलके बहुत अच्छा लगा था। ओवरऑल शादी बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ भी बारिश आ रही थी तो बार बार हम लोग अंदर जा रहे थे फिर बाहर आ रहे थे, तो इस तरह से ये सब चल रहा था। जा रही हो तो ठीक है, वो सारी That's for today. Stay tuned with me. Bye-bye. Take care. Baby, don't wanna fall again.